हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो जैसा कि रीजनिंग की क्लास के अंदर मैंने आपको कहा था और सुबह जो क्लास चल रही थी ऑनलाइन जो कि सॉलिड स्टेट की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स का डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन का जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको कवर नहीं करा पाया था उस दिन, जिस दिन मैंने ऑप्टिक्स की क्लास ली थी। तो डिफ्रेक्शन के फॉर्मूला मैं अब अपलोड कर रहा हूँ, तो ये जो फॉर्मूलाज मैं अपलोड कर रहा हूँ इनको आप देख लीजिएगा। इनके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लोग कर लीजिएगा। ये जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, तो वहां से आप इसको पढ़ लेना। और पोलराइजेशन वाला जो है वो मैं कल कर दूंगा, है ना। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो डिफ्रेक्शन की मैं बात करूं तो डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन शायद मेरे को देने की जरूरत है नहीं। डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन सिंपल सी है कि यदि कोई लाइट वेव है वो बैंड हो जाती है किसी एपरेचर की वजह से, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है। मतलब कि अगर कोई ओपनिंग है वो ओपनिंग इस तरह से है, तो लाइट रेज जो सीधी जानी चाहिए वो सीधी ना जाकर वो ऐसे मुड़ सकती है और वो ऐसे भी मुड़ सकती है। इसी तरह से कोई अपरेचर रख दिया, कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, लाइट रेज यहाँ से आई तो ये यूं जानी चाहिए, ऐसे ना जाकर ये ऐसे चली जाए या ऐसे चली जाए। तो अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट का बैंड हो जाना, उस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्रेक्शन नाम देते हैं। ठीक है, उस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्रेक्शन नाम देते हैं। डिफ्रेक्शन हमारा दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेनल डिफ्रेक्शन और एक होता है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। फ्रेनल्स जो डिफ्रेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, सोर्स, जो सोर्स होता है जहां से लाइट आती है, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होती है फ्रेनल के केस में। और फ्रेनल के केस में जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट और डिफ्रेक्टेड जो लाइट होगी या वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट और डिफ्रेक्टेड जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, फ्रेनल के केस में क्या होगा, जो सोर्स है जहां से लाइट आएगी और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, फाइनाइट डिस्टेंस रहेगी। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है यानी कि तरंगाग्र जिसको हिंदी में कहते हैं, और जो डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट है, यानी कि डिफ्रेक्शन मतलब परावर्तन ना, अपवर्तन होता है, देख ले पता नहीं मेरे को, एक बार चेक कर लेना। तो डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल होगा। फ्राउनहोफर के केस में क्या होगा, फ्राउनहोफर के केस में दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी कि जो सोर्स है जहां से लाइट आ रही है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर ये जानी है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। तो इनका जो इंसिडेंट और डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट है वो प्लेन होता है, ये इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है, है ना। फ्रेनल और फ्राउनहोफर में ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले हम फ्रेनल की बात करें तो फ्रेनल ने अपना जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है उसको समझाने के लिए उसने हाफ पीरियड जोन्स कंसीडर किए। क्या कंसीडर किए? हाफ पीरियड जोन। हाफ पीरियड जोन का मतलब क्या है, फ्रेनल ने क्या किया, जो वेव फ्रंट यानी कि जो तरंगाग्र है उसको बहुत सारे जोन्स में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इस तरह से डिवाइड किया कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, ऑल्टरनेट जो जोन बना हुआ है उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है, या इनसे और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाली जो लाइट है, इनसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाली जो लाइट है उसका पाथ डिफरेंस, या तो फेज डिफरेंस या जो पाथ डिफरेंस है वो या तो पाई हो और या फिर लैम्डा बाई टू। कहने का मतलब ये जो सर्कुलर आपको जोन दिख रहे हैं, यहां से जो लाइट पहुंच रही है इस पी पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट जहां से ऑब्जर्व करते हैं हम उसको हम कहते हैं पोल, तो यहां से जो लाइट पहुंच रही है तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो, या तो लैम्डा बाई टू, और फेज जो डिफरेंस है वो कितना हो, पाई, है ना। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो गोले बन रहे हैं, ये जो सर्किल्स बन रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं जोन्स, और इन जोन्स को हम कहते हैं हाफ पीरियड जोन्स। क्या नाम देते हैं? हाफ पीरियड जोन्स। ये अजम्पशन है इसका। अब इसके केस में क्या क्या निकाला जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है ये जोन्स जो बन रहे हैं इनकी रेडियस बता दो, है ना। पहला तो इसकी रेडियस, तो रेडियस का डेरिवेशन है किस तरह से हम निकालते हैं, मैं डायरेक्ट यहां पर आपको बता रहा हूं कि जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है आर एन, एन का मतलब है एनथ जो जोन है उसकी रेडियस, तो वो किसके बराबर है, अंडर रूट एन बी लैम्ब्डा, अंडर रूट एन बी लैम्ब्डा। बी का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट, और यहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है बी। लैम्ब्डा क्या हो गया, वेवलेंथ। एन का मतलब हो गया ऑर्डर। यदि आपसे पहले जोन के लिए पूछा जाए तो एन की वैल्यू 1, दूसरे जोन के लिए 2, तीसरे जोन के लिए 3, चौथे जोन के लिए 4, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ जोन्स बढ़ते जाएंगे रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस है वो फॉर्मूला क्या है और वो किसके प्रोपोर्शनल है। सेकंड आ जाओ, फिर इसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है एरिया, तो इसका जो एरिया निकल के आता है वो भी ऐसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर अगले वाले का, और एक बार ले लो
पाई आर स्क्वायर एन और एक बार एन माइनस वन या एन प्लस वन, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया कितना आएगा, ए एन इक्वल्स टू पाई बी लैम्ब्डा। अब ये जो एरिया आया है ये एन से इंडिपेंडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ जोन से ये इंडिपेंडेंट है। बी फिक्स रहेगा, लैम्ब्डा की वैल्यू फिक्स रहेगी, दैट मीन्स कि जो एरिया है वो नंबर ऑफ जोन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और अगर ये नंबर ऑफ जोन से इंडिपेंडेंट है तो सभी हाफ पीरियड जोन्स का जो एरिया है वो इक्वल होगा, सभी हाफ पीरियड जोन्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमने ये बात की थी अजम्पशन के अंदर, क्योंकि जो फेज डिफरेंस है वो पाई है, अल्टरनेट जो वेव्स जा रही हैं पी पॉइंट के ऊपर उनका फेज डिफरेंस पाई है। पाई का मतलब हो गया कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, दोनों के बीच में ऑपोजिट होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहला जोन तीसरा जोन पांचवा जोन, पहला तीसरा उसके बाद पांचवा, यहां से जो लाइट पी के ऊपर जा रही होगी उनकी जो फेज डिफरेंस है वो सेम होगा, उनका फेज सेम होगा। इसी तरह से दूसरा चौथा, चौथे के बाद छठा, छठे के बाद आठवां, उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि पाई डिफरेंस है इसलिए हो रहा है। फिर हमने ये बात की कि जो इनका पाथ डिफरेंस है वो एवरेज पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लैम्ब्डा बाई टू। तो एवरेज पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्ब्डा बाई टू। फिर आगे बात करते हैं, फिर यहां पर एक चीज पूछ ली जाती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो पी पॉइंट है उसके ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो एम्पलीट्यूड जो है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को यहां पर लिख रहे हैं ई नॉट से, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ई नॉट ये डिपेंड करता है एरिया पर, ये एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है एवरेज डिस्टेंस पर। एक एवरेज डिस्टेंस क्या है, जो हमने अभी पीछे निकाली थी, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है एवरेज डिस्टेंस दो वेवलेंथ के बीच की। तो ये एवरेज डिस्टेंस के ऊपर यानी कि रेसिप्रोकल है, फेज के ऊपर डिपेंड करता है इनके बीच का फेज क्या है, और ये डिपेंड करता है, ये एक्सप्रेशन है पाई बी लैम्ब्डा 1 प्लस कॉस थीटा एन बी प्लस 2n माइनस 1 लैम्ब्डा बाय 4। थीटा एन जो है ये एंगल है, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, यहां से जो एंगल बन रहा है थीटा एन है। अब ये थीटा एन, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो थीटा एन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। भाई कॉस जीरो पे मैक्सिमम, उसके बाद लगातार कम होता जाता है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस की वैल्यू कम होगी, तो कॉस की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाओगे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे जो E नॉट वन है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी कि पहले जोन की वजह से दूसरे की वैल्यू कम और तीसरे की वैल्यू कम, तो ये डिक्रीज होते चले जाएंगे लगातार, कौन, जितने भी एम्पलीट्यूड हैं वो लगातार डिक्रीज होते चले जाएंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हमें लिखना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, सभी के कारण। तो अब हमने ये ऑलरेडी जानते हैं हम, या हम बात कर चुके हैं कि दो के बीच में फेज डिफरेंस है पाई का, तो यदि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, तो ई नॉट वन माइनस ई नॉट टू प्लस ई नॉट थ्री माइनस ई नॉट फोर, इस तरह से चलता जाएगा। अब ये जो E02 है, इन दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E01 प्लस E03 by 2, और E01 को मैं कैसे लिख सकता हूं, E01 by 2 प्लस E01 by 2। तो इस तरह से अगर मैं अरेंज करूं तो रिजल्टेंट जो E0 की वैल्यू है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, E01 by 2 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 E0 n by 2, है ना, इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। यदि इवन जोन्स है, इवन जोन्स का मतलब है जोन्स की संख्या सम है, तो उस केस में n सम हो जाएगा, मान लो n 2 है, 2 माइनस 1 कितना बच गया ऊपर 1, तो माइनस 1 की पावर 1 कितना देगा, माइनस 1। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, E नॉट इक्वल्स टू E नॉट 1 बाय 2 माइनस, यहां पर है En है, En यहां पर क्या है, माइनस का En, तो ये बनेगा माइनस En ओवर 2। फिर अगर ये ऑड होगा तो इनके बीच में साइन ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर ये ऑड होगा तो इनके बीच का साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो उस केस में E नॉट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर बच जाएगा, पहला जो जोन है उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है उसके बराबर, पहले जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आ गया, E नॉट की वैल्यू, E नॉट 1 बाय 2। अब जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो एम्पलीट्यूड कितना है, E नॉट, E नॉट का स्क्वायर, तो E नॉट का स्क्वायर कितना हो गया, E नॉट 1 स्क्वायर अपॉन 4। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है हाफ पीरियड जोन्स के केस में, या जो इंटेंसिटी है वो फर्स्ट पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के एम्पलीट्यूड के किसके बराबर होती है, 1/4 के बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के 1/4 के बराबर होती है। ठीक है, ये कब था, जब हमने सोर्स की डिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया था। अब सेकेंड केस ये बनता है, जब वेन फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन्स फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट पॉइंट जो है एक फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तो उस केस में क्या होगा।
ज्यादा चेंज नहीं होंगे फॉर्मूला में, वहां पर फॉर्मूला था एन बी लैम्बडा, यहां पर बी की जगह क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए सोर्स से और यहां तक की डिस्टेंस हो गई और ए यहां से यानी कि इस पॉइंट से और इस पोल तक की जो डिस्टेंस हो गई वो बी हो गई। फॉर्मूला क्या आ गया अब ए बी अपॉन ए प्लस बी, बाकी वही है बी की जगह चेंज हो गया। इसी तरह से यहाँ पाई ए बी था तो अब ये चेंज हो गया, पाई लैम्बडा तो है ना वहां पर था पाई बी लैम्बडा, यहां पर बी की जगह क्या आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। जोन प्लेट्स, अब जोन प्लेट्स का मतलब क्या है, जो हमने हाफ पीरियड जोन पढ़ा इसके अंदर और भी चीजें होती है पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं। जोन प्लेट्स क्या है, जो हमने हाफ पीरियड जोन पढ़ा उस हाफ पीरियड जोन की जो एक्यूरेसी है उसके जो प्रिसीजन है उसको चेक करने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल ऑप्टिकल मेथड यूज किया, यहाँ पर ऑप्टिकल हो रहा है, हमने प्रैक्टिकल ऑप्टिकल मेथड प्रकाशीय विधि का यूज किया जिसको हम जोन प्लेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जोन प्लेट। इस जोन प्लेट के अंदर एक फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उसका फॉर्मूला बनता है एफ इजक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन लैम्बडा, या एनथ के लिए हम लिख सकते हैं एफ इजक्वल्स टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्बडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो इसमें इतना ही करना है तुम्हें फ्रेनल के केस में, एक तो ये वाला जो तुम्हारा है हाफ पीरियड जोन वाला और एक जोन प्लेट का ये फॉर्मूला। उसके बाद आ जाता है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में तुम्हें दो पढ़ने हैं, एक पढ़ना है सिंगल स्लिट का और एक डबल स्लिट का। तो सिंगल स्लिट वाला जो है ये एक स्लिट दिखाई हुई है तुम्हें और इस स्लिट की जो ओपनिंग है वो ई है, इसका डायमीटर भी आप बोल सकते हो, ये ओपनिंग भी है। तो यहां से इसका पाथ डिफरेंस निकालना है हमें, पाथ डिफरेंस को मैंने ये लिखा हुआ है बी के, यानी कि लाइट आई और ये डेविएट हो गई अपने पाथ से और फिर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया उससे यहाँ इसको फोकस कर लिया पी पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमने बी के की वैल्यू निकाली, वो कैसे निकाली, ये ट्राइंगल बाहर निकाल लिया मैंने, ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया ई, ये मेरे को चाहिए बी के, है ना। तो मैंने साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दिया तो बी के की वैल्यू कितनी आ गई ई साइन थीटा, बी के की वैल्यू कितनी आ गई ई साइन थीटा। अब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हम जानते हैं डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस। तो ये बी के जो है बी के ये किसके बराबर है, ये पाथ डिफरेंस के बराबर है, किसके बराबर है पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैंने वैल्यू रख दी बी के की 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू बी के, उससे क्या होगा, उससे फेज डिफरेंस बन जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा ई साइन थीटा। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ भी डेल, डेल मैंने कंसीडर कर लिया। यदि मैं मानूं कि सेकेंडरी सोर्स जो ओपनिंग जो है उसके अंदर नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्स है पी, तो जो फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है डेल अपॉन पी। नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्स यदि पी है तो फेज डिफरेंस दो के बीच में जो दो अल्टरनेटिव हैं वेव्स उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो डेल अपॉन पी के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बहुत काम आएगी हमारे ये वाली। अब जब इन सब चीजों की वजह से हम इंटेंसिटी निकालते हैं सिंगल स्लिट के केस में, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है आई इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर साइन डेल बाय टू अपॉन डेल बाय टू और इसका स्क्वायर। डेल बाय टू को हम मान लेते हैं अल्फा, यानी कि अगर मैं यहां से इसको डेल बाय टू लिखना चाहूं यहां से, तो डेल बाय टू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टू नीचे ले जाओ तो ये बराबर हो जाएगा पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्बडा, ये वैल्यू हो गई डेल बाय टू की। तो डेल बाय टू को हमने क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा कंसीडर कर लिया। ए नॉट स्क्वायर क्या हो गया, आई नॉट। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा और इसका स्क्वायर। अब इसके बेस पर हम कंडीशन निकालेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, इनकी हम कंडीशन निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो मैक्सिमा के केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू जीरो होगी। थीटा की वैल्यू का जीरो होने का मतलब है डेल जीरो, तो लिमिट लग जाएगी, लिमिट लगेगी, लिमिट डेल टेंस टू जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो ये वैल्यू देगा वन, आपको ये जीरो नहीं करना है, तो ये वैल्यू देगा वन। वन अगर वैल्यू देगा तो सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कब होगा, जब जो डिफ्रेक्शन एंगल है वो कितना हो जाए जीरो, है ना, या फिर डेल जो है वो कितना हो जाए जीरो। फिर हमें निकालना है फर्स्ट मिनिमा या जिसको हम प्रिंसिपल मिनिमा भी कहते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मिनिमा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए प्रिंसिपल मिनिमा के लिए आई की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो। इंटेंसिटी जीरो कब होगी, जब साइन अल्फा पूरे की वैल्यू क्या हो जाए जीरो। अब अल्फा जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि थीटा हम ऑलरेडी जीरो करके आ चुके हैं और डेल जीरो हो गया तो इसका मतलब अल्फा भी जीरो है। उसकी वैल्यू दूसरे पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर, वहां पर वो वैल्यू जीरो हो सकती है, तो इसका मतलब अल्फा बराबर डेल बाय टू जीरो नहीं हो सकता। उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस टू पाई, प्लस माइनस थ्री पाई, ये हो सकती है। तो अल्फा जो है वो डेल बाय टू था, तो
तो डेल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस टू एम पाई, ये डेल बाई टू है, किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस टू एम पाई, जहां एम की वैल्यू हमेशा जो चलेगी वो वन से चलेगी, वन टू थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगी। पीछे मैंने आपको बताया था डेल बाई टू किसके बराबर है, पाई अपॉन लेमड़ा ई साइन थीटा, और ये जो वैल्यू है यहां से डेल बाई टू नीचे लगा दिया तो क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस एम पाई। यहां से हमारे पास एक कंडीशन बन गई, ये इंपॉर्टेंट, जो प्रिंसिपल मिनिमा की कंडीशन है, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लेमड़ा, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लेमड़ा। फिर उसके बाद बनाना है हमें सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की जो कंडीशन बनती है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, डिफ्रेंशिएट करके के बाद वो हम कंडीशन बनाते हैं, तो वो बनेगी वाई इज इक्वल्स टू अल्फा और वाई इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, वाई इज इक्वल्स टू अल्फा और वाई इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा की वैल्यू थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, और कहां तक पहुंचती है, टू एम प्लस वन पाई बाई टू, टू एम प्लस वन पाई बाई टू। अल्फा किसके बराबर था, डेल बाई टू, एंड डेल बाई टू किसके बराबर था, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, बराबर हो गया टू एम प्लस वन पाई बाई टू। यहां से जो सेकेंडरी मैक्सिमा का फॉर्मूला आ गया वो आ गया ई साइन थीटा इक्वल्स टू टू एम प्लस वन बाई टू लैम्डा, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये इस तरह का पैटर्न बनता है, इस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये पूरा हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये यहां से ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये हो गया मिनिमा फर्स्ट मिनिमा, ये हो गया सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर ये हो गया फर्स्ट मिनिमा। तो आप देख रहे हो कि जो एम्पलीट्यूड है लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, हमें पूछा जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है। तो साइन थीटा जो है वो बराबर होता है एक्स बाय एफ, साइन थीटा बराबर होता है एक्स बाय एफ के, और साइन थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन ई के, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ई साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, एन की वैल्यू एक कर दो तो साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ई, साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन एफ, यहां से दोनों को इक्वल किया तो एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा एफ अपॉन ई, एक्स ये साइड है, ये साइड है एक्स, तो ये पूरी जो विड्थ है किसके बराबर होगी, टू एक्स के बराबर, तो टू एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा टू लैम्डा एफ अपॉन ई, ई क्या है ओपनिंग है उसकी, जो जो सिंगल स्लिट थी उसकी ओपनिंग, टू लैम्डा अपॉन ई। इसी तरह से एंगुलर का पूछ लिया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू छोटी हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख दिया यहां पर, तो थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एफ, या उसको लैम्डा अपॉन ई भी लिख सकते हैं, तो पूरे की विड्थ कितनी हो जाएगी, टू टाइम्स, तो टू थीटा इज इक्वल्स टू टू एक्स अपॉन एफ या टू लैम्डा अपॉन ई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिर सर्कुलर एपरेचर की वजह से हमें डिफ्रेक्शन पूछ लिया जाता है, सर्कुलर एपरेचर की वजह से कुछ ज्यादा आपको याद करना नहीं है, साइन थीटा एक्स अपॉन एफ, लैम्डा अपॉन एफ, एक्स की वैल्यू निकाल दी। यहां पे आपको ये जो एक्स वाला फॉर्मूला आता है, यहां पर एक करेक्शन होता है, एरीज करेक्शन, एरी ने इसके अंदर करेक्शन किया, उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है फॉर्मूले से, एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहे हैं, तो उसने इसमें करेक्शन कर दिया, करेक्शन करने के लिए उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.22 से, 1.22 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला ये बन गया। पूरे के निकालने हैं तो इसको 2x कर दिया, 2x कर दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आ गई, वो कितनी आ गई, 2.44 एफ लैम्डा अपॉन ए, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एरी वाला, ये वाला फॉर्मूला जो है ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कहाँ चले गए, हाँ, अब टू पैरेलल स्लिट्स, अभी हमने पढ़ा था डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, अब हम पढ़ेंगे टू पैरेलल स्लिट। टू पैरेलल स्लिट का जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो इंटेंसिटी आती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डिफ्रेक्शन का कंपोनेंट और एक होता है इंटरफेरेंस, उसमें डिफ्रेक्शन भी चलता है और इंटरफेरेंस भी, क्यों, क्योंकि उसमें ये चलता है, एक तो ये ओपनिंग हो गई, फिर इसमें यहां पर ये इस तरह से चलता है, फिर ये ओपनिंग हो गई, फिर ये इस तरह से चलता है, तो यहां पर डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस दोनों फिनोमेना साथ होते हैं, तो यहां जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है उसके अंदर दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक आ जाता है डिफ्रेक्शन का और एक आ जाता है इंटेंसिटी का। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट पूरा ये आ रहा है डिफ्रेक्शन का, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये है इंटरफेरेंस का, तो ये कंपोनेंट तो है इंटरफेरेंस का कंपोनेंट और ये जो कंपोनेंट है ये डिफ्रेक्शन का है, तो इन दोनों को अलग अलग हम कंसीडर करके फिर हम एक रिजल्ट निकालते हैं। तो डिफ्रेक्शन की वजह से तो हमारे पास तीन रिजल्ट आते हैं, एक आता है सेंट्रल मैक्सिमा का, एक आता है सेकेंडरी मैक्सिमा का, और एक आता है प्रिंसिपल मिनिमा का, जो मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं और यहां पर भी लिखे भी हुए हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और प्रिंसिपल मिनिमा। आई थॉट कि आपको वापस से इस चीज को बताने की जरूरत है नहीं कि ये वैल्यू क्या क्या आएंगी। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, हम निकाल लेते हैं ड्यू टू कॉस स्क्वायर बीटा, जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से दो चीजें आएंगी, एक आएगा इंटरफेरेंस मैक्सिमा और एक आएगा मिनिमा। मैक्सिमा कब आएगा, जब कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू वन हो, कॉस वन कब होगा, जब इसकी वैल्यू प्लस माइनस एन पाई, उधर एम लिया हुआ है तो यहां ले लेंगे एन, तो प्लस माइनस एन पाई, क्योंकि स्क्वायर में है तो प्लस माइनस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। बीटा जो है बीटा, वो बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, पाई ई प्लस बी, ई प्लस बी, ई क्या है
ओपनिंग स्लिट की, और बी क्या है, दो अल्टरनेट जो स्लिट की विड्थ है, ऐसा है ना, ये ओपन है तो ये तो हो गया ई, और ये जो है जो जहां से लाइट पास नहीं हो रही एरिया, ये है बी, तो टोटल कितना हो गया ई प्लस बी, पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्बडा, ये किसकी वैल्यू हो गई, बीटा की, और बीटा वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस एन पाई, तो यहां से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, प्लस माइनस एन लैम्बडा अपॉन ई प्लस बी, मिनिमा के लिए कॉस जीरो हो जाए, जीरो कब हो सकता है, पाई बाई टू पर, तो यहां से कंडीशन बन गई प्लस माइनस टू एम, ये टू एन आएगा, यहां पर भी एन लिया है ना, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, तो यहां से पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्बडा, ये कंडीशन हमारे पास बन के आ गई, ये मिनिमा की हो गई और ये मैक्सिमम की हो गई। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है, मिसिंग ऑर्डर, मिसिंग ऑर्डर की कंडीशन में, यानी कि कौन सी जो वेव है वो मिस हो गई, तो मिस होने की कंडीशन क्या है, जब दो इक्वेशंस मैच कर जाती है, मैच कौन कौन सी करती है, ये वाली इक्वेशंस, मिनिमा डिफ्रेक्शन का तो मिनिमा और इंटरफेरेंस का मैक्सिमा, डिफ्रेक्शन का मिनिमा और इंटरफेरेंस का मैक्सिमा ये आपस में मैच कर जाते हैं, तो इस कंडीशन में कुछ लाइट वेव्स गायब हो जाती है। उसकी क्या कंडीशन है, जैसे कि डिफ्रेक्शन के मिनिमा के लिए लिखा होता है ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्बडा, और मैक्सिमा इंटरफेरेंस का जो मैक्सिमा है उसके लिए लिखा होता है ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्बडा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। यदि मैं ये डाल दूं ई बराबर बी, इस इक्वेशन में ई बराबर बी डाल दूं, तो यहां से एन बराबर टू एम बनेगा, एम की वैल्यू यदि वन टू थ्री है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, टू फोर सिक्स, यानी कि ये मिस हो जाएंगी, दूसरी नहीं मिलेगी, चौथी नहीं मिलेगी, सिक्स नहीं मिलेगी। इसी तरह से यदि मैं कहूं कि b जो है वो 2e के इक्वल है, b 2e के इक्वल है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी, 3m, तो m की वैल्यू अगर 1 2 3 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 369, तो ये क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी, 369 क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे चैप्टर में आता है वो होता है ग्रेटिंग, सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, रिजोल्यूशन पावर ऑफ प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, रिजोल्यूशन पावर, और सबसे पहली चीज आती है रिजोल्यूशन लिमिट। ये रिजोल्यूशन लिमिट का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो इमेजेस हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम इन बिल्कुल भिड़े हुए जो इमेजेस हैं इनको भी दूर दूर हम देख सकते हैं ना, तो इसलिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, इसलिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। तो रिजोल्यूशन लिमिट क्या है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दो बिल्कुल पास पास जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जहां पे उनको रिजोल्व करके आराम से उनको देखा जा सकता है, तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं, रिजोल्यूशन लिमिट। उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, रिजोल्यूशन लिमिट। ग्रेटिंग के केस में ये बराबर होती है डी लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, डी लैम्बडा का मतलब है दो वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस, और लैम्बडा का मतलब हम कई बार इसको एवरेज भी ले लेते हैं, या फिर हमें कहा जाता है कि मिनिमम पकड़ो तो मिनिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम पकड़ो तो मैक्सिमम। रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्यूशन पावर का मतलब है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जिससे कि वो दो पास पास वाली इमेजों को क्लियर कट देख सके, क्लियर कट देख सके दूर दूर करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन पावर। ये रिजोल्यूशन पावर हमेशा रिजोल्यूशन लिमिट के रेसिप्रोकल होता है, रिजोल्यूशन पावर रेसिप्रोकल होता है किसके, रिजोल्यूशन लिमिट के। तो इसको हमने रिजोल्यूशन को रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये डी लैम्बडा ओवर लैम्बडा है, तो ये बन गया लैम्बडा ओवर डी लैम्बडा, और इसका फॉर्मूला आता है एन इंटू कैपिटल एन, या एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स, नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइन्स, नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस पर सेंटीमीटर में भी कई बार ये गिवन होती है। तो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं हम आगे करेंगे। अब क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ई प्लस बी साइन थीटा बराबर एन लैम्बडा, तो यहां से एन, एन का मतलब होता है ऑर्डर, तो एन की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई प्लस बी साइन थीटा ओवर लैम्बडा, ई प्लस बी साइन थीटा ओवर लैम्बडा। फिर यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर एंड रिजोल्यूशन पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो ये जो फॉर्मूला है ई प्लस बी साइन थीटा एन लैम्बडा, इसको यदि मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं, तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है डी थीटा ओवर डी लैम्बडा, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो ये डिस्पर्सिव पावर जो है वो बन जाती है एन अपॉन ई प्लस बी कॉस थीटा एन, क्या बन जाता है, एन अपॉन ई प्लस बी कॉस थीटा एन, एंड इट इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर। और इसको और जो रिजोल्यूशन पावर है इन दोनों के बीच में मैं एक रिलेशन बना सकता हूं, वो रिलेशन क्या बनेगा, एक मिनट रुको, वो रिलेशन क्या बनेगा, क्योंकि लैम्बडा ओवर डी लैम्बडा बराबर होता है एन इंटू कैपिटल एन, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एन की वैल्यू आई है, स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पीछे से निकाली ना, तो उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। कुल मिला के इसको याद करने के लिए आप क्या करना, आप तो ये रिलेशन याद रख लेना, ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे और डी थीटा अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू निकाल दोगे, वो होगा तुम्हारा
डिस्पर्सिव पावर, उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। फिर आता है रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के लिए सबसे पहले एरे के अकॉर्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में, फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1.22 लैम्ब्डा अपॉन ए। तो ये जो अल्फा है या जो थीटा है 1.22 लैम्ब्डा अपॉन ए, इसी को हम क्या नाम देते हैं, रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप। इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजोल्यूशन पावर। तो इसका हमने रिवर्स कर दिया, हमारे पास क्या आ गई, रिजोल्यूशन पावर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछ लिया जाता है हमसे रिलेशन बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो हमारे पास यहाँ दो लेंस है, ये वाला जो लेंस है ये फील्ड लेंस मतलब अभिदृश्यक लेंस, और ये लेंस है आई लेंस जिससे हम देख रहे हैं। इन दोनों की ओपनिंग हमें दे रखी है, जो फील्ड लेंस है इसकी ओपनिंग हमें गिवन है कैपिटल ए, और एरिया नहीं है ओपनिंग है। और ये जो दूसरा वाला लेंस है आई लेंस, इसकी ओपनिंग है स्मॉल है। इमेज जो बन रही है उस इमेज की डिस्टेंस हमें दे रखी है एच प्राइम, ये इमेज की और यहाँ से इनका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस है, इसके लिए कैपिटल एफ है फोकस, और इसके लिए स्मॉल एफ है। ये इन दोनों के एंगल दिए हुए हैं बीटा और अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो बराबर होती है बीटा ओवर अल्फा। बीटा यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो, तो बीटा की वैल्यू एच प्राइम अपॉन स्मॉल एफ और एच प्राइम अपॉन कैपिटल एफ, जो कि सॉल्व करके आ जाती है कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ। यदि सामान्य मैग्निफिकेशन है, नॉर्मल मैग्निफिकेशन का मतलब सामान्य मैग्निफिकेशन है, तो उस केस में दोनों की जो ओपनिंग्स है ए कैपिटल ए और स्मॉल ए आपस में इक्वल हो जाते हैं। बीटा अपॉन अल्फा यानी कि रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ आई लेंस, ये आई लेंस है, रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ आई लेंस अपॉन रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ फील्ड लेंस। अब रिजोल्यूशन लिमिट जो है, अभी हमने पीछे पढ़ा टेलीस्कोप के केस में कितना था 1.22 अपॉन लैम्ब्डा अपॉन ए ई, तो आई लेंस के लिए क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, और जो फील्ड लेंस है उसके लिए हो जाएगा कैपिटल ए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा मैग्नीफाइंग पावर का ए अपॉन ए ई। इसको हम मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर। तो माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन लिमिट होती है वो होती है 1.22 लैम्ब्डा ओवर 2 साइन थीटा। वहां पर था 1.22 लैम्ब्डा अपॉन ए, यहाँ पर है 1.22 लैम्ब्डा अपॉन 2 साइन थीटा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 0.61 अपॉन लैम्ब्डा अपॉन साइन थीटा। ये रिजोल्यूशन लिमिट है। पावर निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना। इफ इमेज इज इन मीडियम, यदि इमेज किसी मीडियम के अंदर है तो वहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का भी यूज होगा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ ये फॉर्मूला बन जाएगा रिजोल्यूशन लिमिट का 0.61 लैम्ब्डा अपॉन म्यू साइन थीटा। ये जो म्यू साइन थीटा आया है इसको हम नाम देते हैं न्यूमेरिकल एपरेचर। इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूमेरिकल एपरेचर। और इसका रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू साइन थीटा अपॉन 0.5 लैम्ब्डा। 0.5 क्यों बनेगा, ये 0.6 बनेगा, ये बन जाएगा 0.5 अपॉन 0.61 लैम्ब्डा। ये फॉर्मूला हो जाएगा माइक्रोस्कोप का। तो ये आपको डिफ्रेक्शन के अंदर पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया ना। इसमें भी सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो है सिंगल स्लिट वाला जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, उनके क्वेश्चन, उनकी एंगुलर विड्थ, उनकी जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो। दूसरा ग्रेटिंग वाला, ग्रेटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूँ, वो आप कर लेना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको शो हो रहा है अ डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय n parallel slits, n parallel slits of equal width and separation. The number of minima between two adjacent, between the adjacent principal maxima. Principal, दो principal maxima के बीच का जो है कितना होगा, एक ही तो होगा, तो n है तो कितना हो जाएगा, n माइनस वन, है ना। तो n माइनस वन हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि ग्रेटिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की लेंथ हमें दे रखी है। ग्रेटिंग का फॉर्मूला लिख लो पहले, तो पावर का वो क्या होता है, लैम्ब्डा ओवर डी लैम्ब्डा, लैम्ब्डा ओवर डी लैम्ब्डा, और ये बराबर होता है स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन, ठीक है। तो ये हमें लेंथ दे रखी है, इल्यूमिनेटेड बाय लाइट विड्थ ऑफ टू वेवलेंथ, दो वेवलेंथ दे रखी है। तो डी लैम्ब्डा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डी लैम्ब्डा 6003 में से 5997 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू होगी 6। फिर उसके बाद लैम्ब्डा, लैम्ब्डा मैंने कहा कि आपको या तो एवरेज वैल्यू भी पकड़ लो या फिर मैक्सिमम मिनिमम कोई भी पकड़ लो, लमसम आंसर लिख दो। मैं इसको लिख रहा हूँ 6000 अपॉन 6, लैम्ब्डा मैंने 6000 ले लिया बीच की वैल्यू, और 6 ये हो गया, तो यहाँ से आ गया ये कितना, ये आ गया 1000। एन कैपिटल एन इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, 1000। हमें बोला है
फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, तो n बराबर क्या हो गया 1000 हो गया। n क्या है? नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 1000 के बराबर हो गई। अब ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए, फॉर ग्रेटिंग एलिमेंट e प्लस d जो हमने e प्लस d पढ़ा था पीछे, या e प्लस b भी बोल सकते हो आप इसको, वो किसके बराबर है? लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स। तो नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस तो हमने निकाल ली कितनी आ गई 1000। लेंथ ऑफ एलिमेंट हमें कितनी गिवन है? 2.5 × 10⁻²। हमें यही तो पूछा है कि द मैक्सिमम साइज, तो ये साइज ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻²। नंबर ऑफ ये कितना है 1000, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 25 μm। कितना आंसर आ जाएगा? 25 μm। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इसके आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ बोला है सपोज यू आर यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6250 आर्मस्ट्रॉन्ग, लैम्बडा की वैल्यू गिवन है, इन कॉम्बिनेशन विद प्लेन डिफरेंट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विच हैज 1600 लाइंस पर सेंटीमीटर। 1600 लाइंस पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाइन्स अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स ना, नंबर ऑफ लाइन्स, ये तो होता है फॉर्मूला, लाइन की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइन, और यहां पर आपको उल्टा बोला हुआ है, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन कितना हो गया 1600 ना, ये लाइंस पर सेंटीमीटर बोला है, तो ये हो गया उल्टा हो गया 1 अपॉन 1600 पर सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहां से e प्लस d को आप कन्वर्ट करके निकाल लो तो ये आ जाएगा 6.25 μm, 6.25 μm। फिर हमें बोला है कि द अपर लिमिट ऑन द ऑर्डर, तो मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए वो जो फॉर्मूला था e प्लस बी साइन थीटा एन लैम्बडा, तो साइन थीटा मैक्सिमा के लिए 1, तो e प्लस बी की वैल्यू हो गई एन लैम्बडा है ना, तो e प्लस बी या e प्लस डी की वैल्यू हो गई एन लैम्बडा। आपको मैक्सिमम क्या निकाला है? एन की वैल्यू निकालनी है ना, तो एन मैक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e प्लस बी या e प्लस डी अपॉन लैम्बडा। e प्लस डी की वैल्यू आ गई कितनी? आ गई 6.25, और लैम्बडा की वैल्यू गिवन है 6250 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये म्यू एम में है। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 10। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए रिजोल्यूशन लिमिट का फॉर्मूला 1.22 λ/d, या ए भी लिख सकते हो, मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पर। डायमीटर 2 है, 2 डायमीटर दे रखा है, वैल्यू डाल दो यहाँ पर 1.22 इंटू लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 2 मीटर है ना, ये तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज बीइंग यूज्ड टू ऑब्जर्व स्टार्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू स्टार्स, दो स्टार्स की बात हो रही है तो उनके बीच का जो वेवलेंथ है वो आ जाएगा 4 × 10⁻⁷, और ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 मीटर दिया हुआ है, तो यहां से कितने ऑर्डर का आ रहा है 10⁻⁷, जो कि ये आंसर हो गया। तो ये था डिफ्रैक्शन, जिसके फॉर्मूला मैंने आपको नहीं प्रोवाइड कराए गए थे, तो ये डिफ्रैक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, एक तो ग्रेटिंग के क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला, उसके अलावा जो सेंट्रल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा उसकी कंडीशन, ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। बच गया आप क्या? पोलराइजेशन, उसका मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो का जो PDF है मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।